दोस्तों आईपीएल 2020 के खत्म हो जाने के बाद क्रिकेट फैंस को लंकन प्रीमियर लीग देखने को मिलने वाला है और फिलहाल लंका प्रीमियर लीग पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लंका प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल और स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और यह लीग 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जबकि इस लीग में इंडिया के भी बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो आपको इस टूर्नामेंट से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि लंका प्रीमियर लीग कब से स्टार्ट होगा, कितने दिन चलने वाला है, कितने मैचेस खेले जाएंगे, कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, मैचों का टाइमिंग क्या होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन से बड़े इंडियन प्लेयर इस लीग में खेलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिकेट के फैन तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए वीडियो को नीचे से ट्रेंडिंग क्रिकेट को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन और को भी दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस पूरे खबर के बारे में। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से श्रीलंका में पिछले काफ़ी समय से क्रिकेट बंद चल रहा था, जिसके बाद अब श्रीलंका में क्रिकेट की वापसी होने जा रही है और क्रिकेट की वापसी के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने लंका प्रीमियर लीग का आयोजन करने का सोचा है, जहां पर लंका प्रीमियर लीग का पूरा कन्फर्म शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही साथ इस लीग का ऑक्शन भी करवा लिया गया है और लंका प्रीमियर लीग 21 नवंबर से शुरू होगा, जबकि इस लीग का फाइनल मुकाबला 13 दिसंबर को खेला जाएगा। यानी इस लीग का पहला मुकाबला आपको 21 नवंबर को देखने को मिलने वाला है, जबकि फाइनल मुकाबला 13 दिसंबर को खेला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस लीग में कितने मैचेस खेले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस लीग में टोटल 23 यानी 23 मैचेस खेले जाने वाले हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं मैचों के टाइमिंग के बारे में कि आखिर मैचेस कितने बजे से स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस मैचेस के लिए दो टाइम पीरियड को सेलेक्ट किया गया है, जिस दिन डबल मैचेस है उस दिन कुछ मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होंगे, जबकि कुछ मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यह दोनों टाइम पीरियड मैचों के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में कि आखिर कौन से स्टेडियम में सभी मैचेस खेले जाएंगे। फ्रेंड्स मैचों के लिए दो वेन्यू को सेलेक्ट किया गया है। जो पहला वेन्यू है वो है पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी, जहां पर 12 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि जो दूसरा वेन्यू है वो है हब्बन टोटा का और यहां पर टोटल 11 मैचेस खेले जाने वाले हैं। तो इन्हीं दो स्टेडियम में टोटल 23 मैचों का आयोजन किया जाएगा। अब गाइस हम बात कर लेते हैं टीम्स के बारे में। सो फ्रेंड्स इस लीग में टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया है, 5 टीम खेलने वाली है। पहली टीम है कोलंबो किंग्स, दूसरी टीम है दाम्बुला हॉक्स, तीसरी टीम है गाले ग्लेडिएटर्स, चौथी टीम है जाफना स्टेलॉयंस, जबकि पांचवी टीम है कैंडी टस्कर्स। तो यही 5 टीम इस लीग के ट्रॉफी के लिए लड़ाई करने वाली है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं स्क्वाड के बारे में। सो गाइस इस लीग का पूरा कंफर्म स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर इस लीग में देश विदेश के काफी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी खेलने वाले हैं और इस लीग में भारत के भी काफी बड़े खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो अगर आप स्क्वाड पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, हम स्क्वाड पर वीडियो भी जल्द से जल्द बता देंगे। तो अगर आप स्क्वाड पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता दीजिए। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आओ तो लाइक कीजिए और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए वीडियो को नीचे से ट्रेंडिंग क्रिकेट को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।